सो गाइस सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गाइस सबसे पहले अभी मैंने अपना चैनल का लोगो चेंज किया है, तो गाइस वो जो चेंज करने का जितना भी क्रेडिट है वो सारा जाता है एसके गेमर को। गाइस वो जो बंदे हैं, आपको उसके चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसके चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस बढ़िया वीडियो बनाता है वो भी, और उसी ने मेरा भी वो सब बनाया है जो भी है लोगो। और सो गाइस चलो अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस इस वीडियो में आपको टोटली सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे पिकैक्स बनाते हैं, इन्वेंटरी क्या होता है, क्राफ्टिंग टेबल। गाइस क्योंकि कुछ बंदे होते हैं जिनको माइनक्राफ्ट की ABCD कुछ भी नहीं पता होता, सो गाइस उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। सो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ, हमें जैसे ही हम वर्ल्ड में ज्वाइन होते हैं, किसी भी वर्ल्ड में ज्वाइन हो, सो गाइस सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम पेड ढूँढने। सबसे पहले गाइस आपको पेड ढूँढना है। सो गाइस मुझे वहाँ पे पेड नज़र आ रहा है, जल्दी से मैं पेड के पास चला जाता हूँ। सो गाइस जैसे ही आपको पेड़ नज़र आ रहा है तो गाइस वेट किस चीज़ का करना, तोड़ दो पेड़ को। गाइस वेट किसी का नहीं करना होता, पेड़ तोड़ दिया करो अगर पेड़ नज़र आया करे तो, क्योंकि पेड़ माइनक्राफ्ट का दुश्मन, तो पेड़ तोड़ो मज़ा आएगा। गाइस आपको पेड़ ही पेड़ तोड़ना है, जितना आप चाहो उतना वुड तोड़ सकते हो पेड़ में से, पेड़ से आपको भर भर के वुड मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास अभी इनफ वुड हो चुका है। सो गाइस जैसे आपके पास वुड हो जाए थोड़ा सा, अब यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे गाइस ये इन्वेंट्री होती है, ये जो आपको ये 3 डॉट्स वाला बटन दिख रहा है, ये हाईलाइटेड वाला, इस पर क्लिक करके आप इन्वेंट्री पे जा सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये जो चेस्ट वाला बटन है ये आपकी इन्वेंट्री है, यहाँ पे आपका सारा सामान रखा जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड में सेल्स वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरा गेम का जितना भी सामान जो आप क्राफ्ट कर सकते हो या फिर जो भी आप बना सकते हो वो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। और गाइस लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे आपको एक आर्मर जैसा कुछ दिखाई देगा नीचे, और ऊपर एक स्क्वायर सा दिखाई देगा। ये गाइस ऊपर वाला यहाँ पे आप सामान बना सकते हो, जैसे आप अगर इसको यहाँ पे रखो तो इससे वो बन सकता है। गाइस अगर आपको ये झंझट नहीं पालना उस डायरेक्ट आप लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो वुड का बटन है लेफ्ट में। सो गाइस उसके बाद आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, जो नीचे बटन है वुड वाला, इस पे क्लिक करते ही आपकी वुड बन जाएगी। सो गाइस वुड के प्लैंक्स हो चुके हैं मेरे पास 32। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ तोड़ लो एक बार में, क्योंकि गाइस एक बार में पेड़ तोड़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और गाइस मैं आपको थोड़े से पेड़ तोड़ने के बाद भी दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे ही आपके पास काफ़ी वुड हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको क्राफ्टिंग टेबल दिख रही है इसको आपको बना लेना है। उसके बाद गाइस उसे प्लेस कर दो। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्टिक्स वाले पे क्लिक कर दो, ये जो स्टिक दिखाई दे रही है इसको बना लो। और फिर गाइस यहाँ पे पिकैक्स बना लो, पिकैक्स पे क्लिक करके। गाइस बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं होता माइनक्राफ्ट में गाइस। इसके बाद गाइस आपको ढूंढना है स्टोन। सो गाइस स्टोन मुझे दिख रहा है वहाँ पे जो पहाड़ है उस पर मुझे क्लियरिटी से स्टोन दिख रहा है गाइस। मैं स्टोन वहाँ से तोड़ लाता हूँ जल्दी से। सो गाइस ये रहा स्टोन। सो गाइस जितना आप चाहो उतना ज़्यादा स्टोन तोड़ सकते हो, वैसे भी स्टोन तो काफ़ी काम का होता है गाइस। ये टूटने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि आप मेरी इन्वेंट्री में देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे जो बटन से वहाँ पे दिख रहा है। सो गाइस ऐसा कुछ होता है, ये कोबस्टोन बन जाता है टूटने के बाद, कोबल स्टोन। गाइस अब अगर इसको स्टोन दोबारा से बनाना चाहते हो, सो गाइस उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगा अभी। सो गाइस जैसे ही आप ये तोड़ लो, आपको ये जो क्राफ्टिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल को दोबारा से रखना है, और इसमें आपको पिकैक्स बना लेनी है। और गाइस यहाँ पे आपको ये फर्नेस दिख रहा है, ये जो ये है इसको आपको बना लेना है। और फिर गाइस इसको तोड़ लो, इसकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस इसके टूटने के बाद आपको ढूंढना है अब केव को। सो गाइस मुझे वहाँ पे एक केव नज़र आ रही है,
चलो उसके अंदर चलते हैं। सो गाइज ये रही वो केव। यहाँ पे गाइज काफ़ी सारा ऐसी स्टोन मिल जाते हैं, जितना आप चाहो उतना ज़्यादा तोड़ सकते हो। गाइज अगर आपको केव नहीं मिल रही तो कोई कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नीचे नीचे ही खुदाई कर सकते हो। लेकिन गाइज ध्यान रखना अपने बिल्कुल स्ट्रेट नीचे डिग नहीं करना गाइज, उससे नीचे अगर लावा होगा तो आप उसमें गिर जाओगे। गाइज देखो मुझे यहाँ पे कोल मिल चुका है, कोल को भी आपको तोड़ लेना है। गाइस देखो अगर आपको माइनक्राफ्ट में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अगर कोई और अलग चीज़ है तो आप कोई लंबी चीज़ है समझने के लिए तो गाइस आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे गाइस माइनक्राफ्ट के ऊपर यूट्यूब पे। तो गाइस यहाँ पे मैं काफ़ी कोल तोड़ चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टिक्स बना लेनी है काफ़ी सारी, उसके बाद स्टिक्स से बन जाएंगी टॉर्चेस। गाइस देखो मैंने काफ़ी सारी टॉर्चेस बना ली हैं अभी। गाइज अब हमें ढूंढना है आयरन। सो गाइज मुझे यहाँ पे केव में फाइनली आयरन मिल चुका है, तो मैं आयरन को तोड़ लेता हूँ गाइज। लेकिन मिला एक ही, ज़्यादा मिला नहीं। और उसके बाद यहाँ पे गाइज ये है लावा, यहाँ पे मैं लावा को ब्लॉक कर देता हूँ गाइज, ये फिर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा सारा। गाइज ब्लॉक होगी लावा, गाइज यहाँ पे मुझे और आयरन मिल चुका है। गाइज बहुत इजीली आयरन मिल जाता है, आयरन ढूंढना कुछ इतना मुश्किल काम नहीं, कतई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा आयरन ढूंढ लिया है 29 के आसपास, और अभी मेरे पास ये फर्नेंस है। गाइज फर्नेंस में आप कुछ भी रख सकते हो फ्यूल की जगह, आप वुड रख सकते हो, कोल रख सकते हो, गाइज अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। उसके बाद आपको इनपुट में डालना है आयरन का ये जो है। इसके बाद गाइज मैं आपको मिलता हूँ जब ये आयरन पिघल जाएगा उसके बाद। सो गाइज यहाँ पे ये आयरन पिघल चुका है, उसके बाद गाइज आपको क्राफ्टिंग टेबल रखनी है, क्राफ्टिंग टेबल रखनी है गाइज, और फिर उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च नहीं गाइज यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टिक बना लेनी है काफ़ी सारी, उसके बाद गाइज आप पिकेक्स बना लो, शोवल भी बना लो, स्वॉर्ड भी बना लो, एक्स भी बना लो, गाइज एक्स भी बना लो, मेरे से अभी गलती से दो स्वॉर्ड बन गए सॉरी। और यहाँ पे गाइज आप आर्मर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप। और उसके बाद गाइज शील्ड भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आर्मर ये पूरे बना सकते हो गाइज। अब देखो मेरे पास काफ़ी सामान हो चुका है, अब आर्मर को पहनना कैसे गाइज, यहाँ पे आओ इस साइड आओ और फिर उसके बाद इसे पहनो, और फिर गाइज आर्मर को कुछ ऐसे पहन सकते हैं हम पूरा का पूरा। और फिर गाइज जब हमारे पास इतना सामान हो जाएगा हम गाइज और भी ज़्यादा सामान एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गाइज अगर आप कुछ भी बनाना है तो गाइज आप यहाँ पे सर्च वाले में लिख सकते हो या फिर देख सकते हो, और फिर गाइज उस पर क्लिक करके आपको उसकी रेसिपी पता चल जाएगी कि आपको क्या क्या चाहिए उस सामान के लिए। और गाइज उस सामान को आप गेन करने के लिए इधर उधर जा सकते हो, और गाइज एस आप विलेजेस वगैरह ढूंढ सकते हो, विलेजेस आपको ऐसे घूमते घूमते मिल जाएंगे, और आपको ऐसी काफ़ी सारा सामान ढूंढना है और ऐसी माइनक्राफ्ट को ख़त्म करना है। गाइज ख़त्म होगा एंडर ड्रैगन को मारकर, और एंडर ड्रैगन को उनके लिए वगैरह बाकी चीज़ों के लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और गाइज अगर आज की वीडियो करें तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज वीडियो शेयर कर दो, और आपको किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, या फिर गाइज अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट से पूछ सकते हो। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइज आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, अब मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।